पिछले वाले वीडियो में हमने इस क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था। अब बात करते हैं लोड्स की। आपको देखो कौन से लोड के लिए कौन सा IS कोड हम यूज़ करते हैं वो आपको ध्यान रखना है। वैसे तो सिविल इंजीनियरिंग में बहुत सारे IS कोड होते हैं, जैसे BMC के अंदर हर एक इक्विपमेंट का अलग अलग कोड होता है, तो इतने सारे कोड हम ऐसे अलग से आप बुक लेके मत बैठ जाना याद करने के लिए। सिर्फ कुछ कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं, सिर्फ वही याद करने हैं आपको। जो मैं कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है वो बता दूंगा। इनके अलावा भी कभी कभी एग्ज़ाम में क्या होता है, कोई कोड आ जाता है तो उस कोड को रट लेना आप जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करो आप, उस एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर लगाते ही होंगे, तो उस प्रीवियस ईयर में जो भी कोड आ जाए उसको रट लेना। कभी भी अलग से कोड की लिस्ट लेकर के उसको रटने मत बैठ जाना, इतने सारे कोड याद होंगे भी नहीं और वो सिर्फ टाइम वेस्टिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं। डेड लोड के लिए जो हम कोड यूज़ करते हैं वो करते हैं IS 875 Part 1। ओके, डेड लोड के लिए। लाइव लोड की अगर हम बात करें तो लाइव लोड के लिए Part 2 और 4 दोनों ही हम यूज़ करते हैं 875 का। ओके, विंड लोड के लिए हम बात करें उसके लिए Part 3 होता है। अर्थक्वेक के लिए बात करें तो IS 1893 यूज़ करते हैं। इरेक्शन लोड के लिए हम बात करें तो उसके लिए Part 2 होता है। जो Part 2 ये इसके लिए होता है ना लाइव लोड के लिए, वो इरेक्शन लोड के लिए भी यूज़ होता है। ठीक है, उसके बाद बाद में ये याद रखने हैं आपको, ये चारों पांच लोड तो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको याद रखना ही है। ठीक है, बाकी फिर अलग अलग जहाँ जहाँ यूज आएंगे वैसे वैसे मैं आपको बताता रहूँगा। RCC में भी जहाँ जहाँ यूज आएंगे वैसे वैसे मैं आपको बताता रहूँगा। ओके, इंपॉर्टेंट है वो तो नोट्स में होंगे ही, और जो क्वेश्चंस में प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वो भी जब बीच में कहीं कोई चीज़ आएगी तो वहाँ पर मैं आपको डिस्कस कर दूंगा। वो आपको अलग से कॉपी में लिखना है, वो याद करना है। अलग से लिस्ट लेके मत बैठ जाना कि कोई बुक आप उठा लो कोड की और रटने बैठ जाओ कि ऐसे तो बहुत सारे कोड ऐसे याद होंगे भी नहीं और वो जो ये इंपॉर्टेंट है ना वो भी निकल जाएंगे आपके दिमाग से उनके चक्कर में। इसलिए जो इंपॉर्टेंट है और जो प्रीवियस ईयर में आए हैं सिर्फ उनको याद करना है, इसके अलावा छेड़ना नहीं है बिल्कुल भी आपको। ओके, आगे लिखा हुआ है इसके अंदर, फॉर द पर्पज ऑफ डिजाइनिंग एनी एलिमेंट और मेंबर और स्ट्रक्चर द फॉलोइंग लोड शुड बी टेकन इनटू अकाउंट वेयर एप्लीकेबल। और ये आगे ये बोल रहा है कि कोई भी स्ट्रक्चर के लिए अगर एप्लीकेबल हो तो ही हम ये लोड अलग से और एक्स्ट्रा लोड यूज़ करेंगे। मैंने आपको क्या बताया था कि मोस्टली, पिछले वाली वीडियो में बताया था मैंने कि मोस्टली हम तीन चार चीज़ आप यूज़ करते हैं, कौन कौन सी, डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड और या फिर अर्थक्वेक लोड। ओके, ये तीन चीज़ें तो हम 100% यूज़ करते ही करते हैं। इन्हीं के ऊपर हमने पिछले वीडियो में दो क्वेश्चन भी देखे और RCC में भी हम ये तीनों ही यूज़ करते हैं। अगर इनके अलावा अगर एप्लीकेबल हो तो ही हम एक्सीडेंटल लोड, इरेक्शन लोड वगैरह वगैरह अदर टाइप ऑफ लोड यूज़ करते हैं, नहीं तो नहीं करेंगे। वही यहाँ पर बोल रखा है, ऐसा मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में भी अच्छे तरीके से समझाया था। बताया था ना पिछले वाले वीडियो में कि हमने एक बड़ी सारी टेबल बताई थी मैंने आपको, फिर मैंने बोला था कि ये इतनी बड़ी टेबल याद करने की ज़रूरत नहीं है, इतनी सारी टेबल तो याद होगी भी नहीं और हो भी जाती है तो कोई काम की नहीं है। मोस्टली वो ऊपर की तीन लाइन थी वही आपको याद करनी थी, डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड, उनके अलग अलग तरीके के कॉम्बिनेशन तीनों लाइन में कंप्लीट हो जाते हैं लिमिटेड स्टेट ऑफ कोलैप्स और लिमिटेड स्टेट ऑफ सर्विसबिलिटी के लिए। ठीक है, बाकी देखो यहाँ पर लिख रखा है अगर एप्लीकेबल हो तो ही यूज़ करते हैं एक्सीडेंटल लोड को। देखो एक्सीडेंटल लोड या फिर सेकेंडरी टाइप के जो भी लोड हैं वो, देखो एक्सीडेंटल लोड सच एज दोज ड्यू टू ब्लास्ट, अगर कोई ब्लास्ट हो गया तो एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट उस ब्लास्ट के कारण कुछ लोड स्ट्रक्चर के ऊपर आएंगे। ओके, वो एप्लीकेबल हो तो ही यूज़ करेंगे, उसको नहीं तो नहीं करेंगे। अलग है, और नेक्स्ट पॉइंट है सेकेंडरी इफेक्ट ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन रिजल्टिंग फ्रॉम टेम्परेचर चेंज, डिफरेंशियल सेटलमेंट, इसेंट्रिक कनेक्शन एक्सेट्रा। और अगर आपका टेम्परेचर चेंज के कारण स्ट्रक्चर के अंदर एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन वगैरह वगैरह हो रहे हैं तो उसको भी हम जब यूज़ करेंगे, जब ऐसा हो रहा है वहाँ पर टेम्परेचर वेरिएशन बहुत ही ज़्यादा है तभी हम यूज़ करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। मोस्टली डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड या फिर अर्थक्वेक लोड ही हम यूज़ करते हैं और उनके कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं। ठीक है, विंड लोड के लिए हम चलते हैं आगे क्योंकि इससे ये विंड लोड, ये वाला जो टॉपिक पढ़ेंगे ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अभी दो तीन आपको फॉर्मूले बताऊंगा, उन फॉर्मूले को आपको बिल्कुल घोट के पी जाना है क्योंकि उससे ऑब्जेक्टिव और कन्वेंशनल दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। 20 नंबर तक भी पूछ लेता है, उसमें तीनों चीज़ें निकलवा लेता है और 20 नंबर तक का क्वेश्चन आ जाता है उसमें, और 5 नंबर का तो, और 5 नंबर का और 2 नंबर का तो मोस्ट फ्रिक्वेंट क्वेश्चन है, इससे आते ही आते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या लिख रखा है, विंड लोड के लिए हम IS 875 Part 3 यूज़ करते हैं। द विंड प्रेशर
एट एनी हाइट ऑफ अ स्ट्रक्चर डिपेंड्स ऑन द, अगर मान लो हमारे कोई बिल्डिंग बनी हुई है या फिर कोई भी स्ट्रक्चर खड़ा है, उस स्ट्रक्चर के ऊपर कितनी हाइट के ऊपर, मतलब किसी हाइट के ऊपर जो विंड प्रेशर आएगा वो किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा वो हम देख लेते हैं। ओके, वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, फिर से बता रहा हूँ, इसमें से पूछ लेते हैं कोई भी। तो यहाँ पर देखो बी से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर आप एक ए पॉइंट और लिख लो, मैं बोल रहा हूँ वो लिखो ए पॉइंट। ए पॉइंट में लिखोगे द वेलोसिटी एंड डेंसिटी ऑफ द एयर, जो उस स्ट्रक्चर के ऊपर विंड लोड लग रहा है उस विंड की डेंसिटी या फिर उसकी वेलोसिटी कितनी ज़्यादा है वो डिपेंड करेगा किसी एक स्पेसिफाई हाइट के ऊपर, स्पेसिफिक हाइट के ऊपर। बी के ऊपर आ जाते हैं, बी वो पॉइंट है द हाइट अबोव ग्राउंड लेवल, आपकी जो बिल्डिंग है या फिर जो भी आपका स्ट्रक्चर है उसकी ग्राउंड लेवल से हाइट कितनी है, इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा क्या, विंड प्रेशर। हम देख रहे हैं कि विंड प्रेशर किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। तो ए मैंने बताया आपको वेलोसिटी एंड डेंसिटी ऑफ द एयर, बी यहाँ पर लिखा हुआ है द हाइट अबोव ग्राउंड लेवल, सी पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है द शेप एंड द आस्पेक्ट रेशियो ऑफ द बिल्डिंग, डी लिखा हुआ है ना आपकी बिल्डिंग का शेप किस तरीके का है, राउंड है, रेक्टेंगुलर है, ट्रेंगुलर है, ट्रेपेजोइडल टाइप है, इरेगुलर शेप है, इन सभी के ऊपर डिपेंड करता है अलग अलग तरीके से। आस्पेक्ट रेशियो क्या होता है आपने देखा भी होगा, आप कंप्यूटर में कभी मूवी वगैरह देखते होंगे तो हम क्या करते हैं आस्पेक्ट रेशियो उसका चेंज कर लेते हैं। जैसे मान लो ये स्क्रीन है हमारी, तो कभी हमारे जो वीडियो चल रहा है वो इतनी सी स्क्रीन में चलता है, ठीक है, कभी इतने में चलने लग जाता है, कभी फुल में चलने लग जाता है, तो हम उसका क्या करते हैं वो आस्पेक्ट रेशियो उसका हम चेंज करते रहते हैं, ठीक है, वही होता है एस्पेक्ट रेशियो। डी पॉइंट देख लो आप, टोपोग्राफी ऑफ द सराउंडिंग ग्राउंड ऑफ द सरफेस, मतलब आपका जहाँ पर जो स्ट्रक्चर है उसके अगल बगल में साइड तक जो ग्राउंड है उसका जो शेप कैसा है, उसकी टोपोग्राफी कैसी है, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। और फाइनली लास्ट पॉइंट है द एंगल ऑफ विंड अटैक, जो आपकी विंड आ रही है वो उस स्ट्रक्चर के ऊपर कितने एंगल के ऊपर आकर के अटैक कर रही है, इसके ऊपर भी हमारा जो विंड प्रेशर है वो डिपेंड करता है, ठीक है। अब आ जाती है इंपॉर्टेंट बात, फिर से ये भी इंपॉर्टेंट थी, अभी हमने जो फैक्टर देखे वो इंपॉर्टेंट थे, अब आते हैं डिज़ाइन विंड स्पीड। डिज़ाइन विंड स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वी जेड इज इक्वल्स टू वी बी के वन के टू के थ्री, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखना है हमेशा, क्वेश्चन आते हैं इससे, फ्रिक्वेंट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। वी जेड इज इक्वल्स टू वी बी के वन के टू के थ्री वेयर, यहाँ पर ये वी जेड क्या है, वी बी क्या है, के वन क्या है, के टू क्या है, ये हम एक एक करके देख लेते हैं, लेकिन आपको जब क्वेश्चन आएगा ना तो ये वी बी आपको क्वेश्चन में खुद ही दे देगा वो कि वी बी की वैल्यू इतनी है। वी बी होता है बेसिक विंड स्पीड होती है, वो आपको सीधे देगा, के वन की वैल्यू भी देगा, के टू की वैल्यू भी देगा, के थ्री की वैल्यू भी देगा, सब कुछ दे देगा, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं कि कौन सी चीज़ क्या होती है यहाँ पर। ओके, देखो यहाँ पर लिख लेना आप, फॉर्मूला लिख लो, अब उसके नीचे देख लेते हैं। यहाँ पर जो वी जेड है, वी जेड है डिज़ाइन विंड स्पीड एट हाइट ऑफ जेड मीटर इन मीटर पर सेकंड। ओके, यहाँ पर जो वी जेड की वैल्यू आएगी ना फाइनली वो हमारे पास मीटर पर सेकंड में ही आएगी। ओके, और ये इसका है डिज़ाइन विंड स्पीड बोलते हैं वी जेड को, डिज़ाइन विंड स्पीड। जैसे मान लो हमारा कोई स्ट्रक्चर है उसके ऊपर नीचे से हम देखेंगे जेड हाइट पे, मान लो ये वही स्ट्रक्चर है हमारा, तो यहाँ पर आकर के विंड अटैक कर रही है किसी जेड हाइट पर नीचे से। ओके, और वो किस में कर रही है, मीटर पर सेकंड में, उसकी स्पीड किस में है, कौन सी यूनिट में, मीटर पर सेकंड में। ऐसे नहीं है कि किलोमीटर पर आवर में लग रही, नहीं, मीटर पर सेकंड में स्पेसिफाई चीज़ें हैं आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके बाद वी बी की बात करते हैं, वी बी है बेसिक विंड स्पीड। अब ये बेसिक विंड स्पीड अलग तरीके से निकलती है कि 50 साल का जो रिकॉर्ड होता है ना, उस 50 साल के रिकॉर्ड में एक शॉर्ट टर्म 3 सेकंड के लिए जो अटैक हो रहा है विंड का, उसके हिसाब से हम इसको पता लगाते हैं। लेकिन ये IS 875 में सीधी दे रखी है और रहती है तो वहाँ से उठा लेते हैं, लेकिन जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो आपको वो तो फिर क्वेश्चन में ही देगा कि बेसिक विंड स्पीड इज इक्वल्स टू दिस, तो आप और के वन के टू के थ्री की वैल्यू दे देगा और बोलेगा आपको कि डिज़ाइन विंड स्पीड आप कैलकुलेट करो, ठीक। इसके आगे और भी फॉर्मूले देखेंगे वो अलग तरीके से हैं, फिर उसका ही इसका उनमें इनका यूज़ होगा, अभी देख लेना, अभी पहले ये तो पढ़ लेते हैं। देखो ये वी बी है बेसिक विंड स्पीड इज गिवन इन IS 875 फॉर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ 3 सेकंड ओवर अ रिटर्न पीरियड ऑफ 50 ईयर, ठीक है। के वन यहाँ पर ये फैक्टर है, के वन के टू के थ्री तीनों फैक्टर है, क्या क्या फैक्टर है देखो, के वन है प्रोबेबिलिटी या फिर रिस्क फैक्टर, ओके, प्रोबेबिलिटी फैक्टर या फिर रिस्क कोएफिशिएंट, कुछ भी बोल लो आप इसको। के टू है टेरेन हाइट साइज ऑफ द स्ट्रक्चर, इसके ऊपर डिपेंड करता है ये के टू, ये जो फैक्टर है ना वो किस किस के ऊपर डिपेंड करेगा, वहाँ पर आपका टेरेन कैसा है, हाइट कितनी है आपकी जो स्ट्रक्चर है उसका, हाइट कितनी है, साइज़ क्या है आपके स्ट्रक्चर की,
ना किस तरीके की साइज़ है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। और फाइनली जो के थ्री है वो है टोपोग्राफी फैक्टर, वो ये टोपोग्राफी कैसी है उसके ऊपर डिपेंड करता है के वन के टू के थ्री। तो ये बात हो गई आपकी, पैरा फॉर्मूला आपने ध्यान रख लिया कि आपका जो डिज़ाइन विंड स्पीड है और किस किस के ऊपर डिपेंड करती है वो क्या फॉर्मूला था, वी बी के वन के टू और के थ्री, इन तीनों चीज़ों के ऊपर ये बेस होती है। ओके, तीनों चीज़ें क्या क्या होती है, तीनों चार चीज़ें हमने देख ली। अब बात करते हैं डिज़ाइन विंड प्रेशर की। तो ये डिज़ाइन विंड प्रेशर ही किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है ये अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था हमने। और इस जो डिज़ाइन विंड प्रेशर है इसका फॉर्मूला होता है 0.6 वी जेड का स्क्वायर। अभी वी जेड आपके पास कहाँ से आएगा, ये वी जेड अभी हमने फॉर्मूला नंबर जो हमारा 1 था उसमें हमने कैलकुलेट कर लिया वी जेड। ओके, तो सेकेंड फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, डिज़ाइन विंड प्रेशर इज इक्वल्स टू 0.6 वी जेड का स्क्वायर। पी जेड वापस से वही है, डिज़ाइन विंड प्रेशर एट हाइट ऑफ जेड मीटर इन न्यूटन, पास्कल में आएगी वैल्यू। अब ये जो पी जेड की वैल्यू आएगी ना ये पास्कल में आएगी, ये पास्कल में कब आएगी, जब आप वी जेड की वैल्यू यहाँ पर किस में रखोगे, मीटर पर सेकंड में रखोगे। ओके, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल एक ही बात होती है। ये आप इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वापस से। ज़्यादातर देखो, अब देखो क्वेश्चन में ज़्यादातर आपको 5 नंबर तक के क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें ज़्यादातर आपको ये वाली चीज़ पूछता है, वो बोलेगा कि व्हाट इज़ विंड प्रेशर, तो आप लिखोगे पी जेड बराबर 0.6 वी जेड का स्क्वायर, तो फिर आपको वी जेड भी निकालना पड़ेगा। तो फिर वी जेड का आप फॉर्मूला लिखोगे वी जेड बराबर 0.6 वी जेड बराबर वी बी के वन के टू के थ्री। तो वी बी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, के वन के टू और के थ्री की भी गिवन होगी, तो आप इनसे पहले वी जेड निकालोगे फिर वी जेड की वैल्यू यहाँ रखोगे फिर पी जेड निकालोगे। इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है आपको, है ना, ठीक है। तो दोनों फॉर्मूले हो गए। और तीसरा फॉर्मूला फिर आपको ये भी ध्यान रखना है, अगेन दिस इज़ इम्पोर्टेंट, डिज़ाइन विंड फोर्स। डिज़ाइन विंड फोर्स का फॉर्मूला होता है एफ इज इक्वल्स टू सी एफ ए ई पी जेड। सी एफ यहाँ पर क्या है, एफ क्या है, एफ तो सिंपल है डिज़ाइन विंड फोर्स है। सी एफ क्या है, फोर्स कोफिशियंट ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर का फोर्स कोफिशियंट है ये अगर पूछेगा तो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। ए ई क्या है, इफेक्टिव फ्रंटल एरिया, जिस साइड से आपकी जो विंड आ रही है ना उस साइड में वो जो टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कितना होगा इफेक्टिव। ओके, और जो पी जेड है वो डिज़ाइन विंड प्रेशर है, ये देखो ये रहा डिज़ाइन विंड प्रेशर ये रहा। तो आपको क्वेश्चन में इस तरीके से पूछ सकता है कि आप डिज़ाइन विंड फोर्स निकालो, तो सबसे पहले आपको पी जेड निकालना पड़ेगा और पी जेड के लिए वी जेड निकालना पड़ेगा, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। या फिर 20 नंबर में इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं कि आप तीनों चीज़ें पूछ लेगा आपको, कि आप डिज़ाइन विंड स्पीड बताओ कितनी होगी, डिज़ाइन विंड प्रेशर बताओ कितना होगा और डिज़ाइन विंड फोर्स भी बताओ कितना होगा। तीनों अलग अलग तरीके से पूछ सकता है कितने भी नंबर में, है ना, इसका कोई वो नहीं है। तो तीनों फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं। ओके, अलग से कॉपी में लिख लो और इनको रटना है। अगली बात आई मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ द स्टील। अब हम स्टील पढ़ रहे हैं तो स्टील के लिए अलग अलग चीज़ों की वैल्यू क्या क्या होती है ये भी हमें ध्यान होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, कोई भरोसा नहीं है स्टेट लेवल पे, स्टेट लेवल में जूनियर इंजीनियर वगैरह में ये चीज़ें पूछ सकते हैं, तो ये भी हमें ध्यान होना चाहिए। तो ये देख लेते हैं सारी चीज़। देखो यहाँ पर क्या क्या बता रखा है, स्टील के लिए बात हो रही है, स्टील के लिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या फिर यंग्स मॉडुलस भी हम इसको बोल देते हैं, इसकी वैल्यू होती है 2×10⁵ न्यूटन पर mm². ठीक है, शियर मॉडुलस या फिर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी इसको बोल देते हैं, इसकी वैल्यू होती है 0.769×10⁵ न्यूटन पर mm². पॉइजन्स रेशियो की अगर हम बात करें, म्यू से इसको डिनोट करते हैं। इलास्टिक रेंज और प्लास्टिक रेंज अलग अलग वैल्यू होती है इसकी। इलास्टिक रेंज के लिए अगर हम बात करें तो 0.3 और प्लास्टिक रेंज के लिए हम बात करें तो 0.5। और फाइनली फोर्थ है वो है डेंसिटी ऑफ स्टील, रो, रो से हम इसको डिनोट कर देते हैं। तो डेंसिटी क्या होती है, 7.85×10³ kg पर m³। ये तीनों चार चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं, कोई भरोसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये तो रटने की चीज़ें नहीं आएगी, आ सकती है, ध्यान रखना, चार तो चीज़ें ध्यान रख लेना। उसमें से एक चीज़ तो आपको याद रहती है, ये दोनों चीज़ तो याद रहती है, ये ई और ये इलास्टिक रेंज, ये तो याद ही रहता है, सोम में भी हम पढ़ ही लेते हैं, बाकी आपको ये और ये थोड़ा देखना, एक दो बार देखोगे याद हो जाएगा, ठीक है। अब बात कर ले अल्टीमेट एंड यील्ड स्ट्रेंथ एज पर आईएस कोड। आईएस कोड के अकॉर्डिंग यील्ड स्ट्रेंथ कितनी लेंगे हम, वैसे तो क्वेश्चन में गिवन होगी, लेकिन जैसे देखो मानो आरसीसी की बात करते हैं, ओके आरसीसी की बात कर रहे हैं,
आरसीसी में आप क्वेश्चन में से बोलता है एफ ई 250, तो हम क्या लेते हैं यील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू, यील्ड वैल्यू कितने लेते हैं इसके लिए, 250 लेते हैं ना। ओके तो क्वेश्चन में तो आपको एफ ई 250 गिवन होता है, लेकिन एफ आई हम निकाल लेते हैं। ऐसा ही स्टील में होता है, लेकिन स्टील में थोड़ा अलग तरीके से होता है। देखो इसमें ये टेबल गिवन है ना, लेकिन टेबल आपको याद नहीं रखनी है, कोई याद नहीं रखना रखता है, जो याद रखना है ना वो ऊपर के तीनों पॉइंट होते हैं। देखो ग्रेड दे रखी है यहाँ पर कि ग्रेड ई, देखो स्टील की ग्रेड किसी भी तरीके से दे सकता है आपको, एफ ई और आगे कुछ वैल्यू दे सकता है, इस तरीके से भी दे सकता है, और ई और आगे कुछ वैल्यू दे सकता है, इस तरीके से भी दे सकता है, वो कैसे भी दे सकता है। लेकिन आर सी सी में तो सिर्फ एफ ई के आगे ही कुछ देता है, आर सी सी में एफ ई 250, एफ ई 415, एफ ई 500 इस तरीके से देता है ना, लेकिन स्टील में इस तरीके से ग्रेड दे सकता है, ई 250, ई 250, ई 300, ई 350 इस तरीके से दे सकता है। ठीक है, अब देखो जिस भी मेंबर की हम बात कर रहे हैं उस मेंबर की थिकनेस के ऊपर भी डिपेंड करती है इसकी यील्ड वैल्यू। ओके लेकिन जो अल्टीमेट वैल्यू है वो उसकी थिकनेस के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी ई 250 या फिर इसको एफ ई 410 ए भी बोल देते हैं, तीनों ए की ही सेम ग्रेड है, बस यहाँ पर डिफरेंस किसका आता है, ए यहाँ पर बी और यहाँ पर सी, इस तरीके से डिफरेंस आता है। बाकी ये ई 250 एफ ई 410, ई 250 एफ ई 410, ई 250 एफ ई 410 होता है, ए बी सी नाम से इसकी ग्रेड चेंज होती है। ठीक है, अब देखो अगर आपकी थिकनेस 20 mm से कम है तो 250 हम इसकी यील्ड स्ट्रेंथ लेंगे, अगर 20-40 है तो 240 इसकी स्ट्रेंथ लेंगे, और अगर 40 mm से ज़्यादा है तो 230 इसकी यील्ड स्ट्रेंथ लेंगे, और इसकी अल्टीमेट जो होगी वो 410 ही होगी। अब देखो यहाँ पर आप आरसीसी और स्टील में क्या डिफरेंस है वो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। देखो इधर हम बात करते हैं स्टील की, इधर हम बात करते हैं स्टील की और इधर बात करते हैं आरसीसी की। ओके अब देखो आपको क्वेश्चन में वो देगा एफ ई 250 दे दिया मान लो इस तरीके से, अब तो अब आप आरसीसी, तो हम आरसीसी में हम क्या करते हैं, अब आर एफ ई 250 दे दिया ना, तो आरसीसी में हम क्या करते हैं कि एफ आई की वैल्यू कितनी है 250 है, लेकिन स्टील में अब ऐसा नहीं है। यहाँ पर स्टील में देखो ये एफ ई 250 देगा ना आपको, तो स्टील में ये जो 250 वैल्यू है ना, सॉरी एफ ई 250 तो वो देगा ही नहीं मान लो, एफ ई 415, हाँ 250 मान लो, 250 के लिए अलग होता है, लेकिन एफ ई 250 कभी भी क्वेश्चन में वो देगा ही नहीं स्टील के अंदर, तो है ना ज़्यादातर ये यही देगा आपको, 250 होती नहीं, एफ ई 410 से ऊपर होती है स्टील के अंदर, तो ई 250 दे देगा वो, लेकिन एफ ई नहीं देगा कभी भी। तो आर से सी और स्टील वापस, सॉरी है ना, अब वापस से देखो एक बार, जैसे मान लो एफ ई 410 गई, तो आर सी सी में तो ये एफ वाई हो गई ना 410, आर सी सी में ऐसे ही लेते हैं हम, एफ ई 410 हो गई तो एफ आई की वैल्यू 410 हो गई, लेकिन स्टील में ऐसा नहीं है, स्टील में ये जो 410 है ना एफ ई के आगे जो वैल्यू रहती है वो एफ यील्ड नहीं होती है, वो एफ यू अल्टीमेट होती है 410। ओके और एफ जो यील्ड है वो होती है इसकी 250। वैसे तो ये एफ आई की वैल्यू ना थिकनेस पर डिपेंड करेगी, अभी मैंने बताया था कि 20 mm से कम, 20-40 एंड 40 से ज़्यादा, इस तरीके से होता है। ओके अब ये टेबल तो बहुत याद करने में दिक्कत हो जाएगी कि थिकनेस भी देखो, ये भी देखो, वो भी देखो, तो सिंपल सी बात है। अब आप देखो सिंपल जो बता रहा हूँ वो सुनो आप, तो आर सी सी का तो आपको पता है, सिंपल तरीके से हम ले लेते हैं, एफ ई 250 देगा तो 250 एफ आई की वैल्यू हो गई, एफ ई 410 देगा तो एफ आई की वैल्यू 410 हो गई, एफ ई 500 देगा तो एफ वाई की वैल्यू 500 हो गई। ठीक है, आर सी सी की तो बात ख़त्म हो गई। स्टील की बात करते हैं तो स्टील में हमेशा हमेशा हम ये मानते हैं ये वाली कॉलम, ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम हम नहीं मानते हैं, हम मानते हैं कि हमारी जो थिकनेस है ना वो 20 mm से कम ही है उस मेंबर की, हम हमेशा ये मानते हैं, तो ये वाली चीज़ भूल जाओ आप। दूसरी बात, क्वेश्चन में हमेशा 99.99% तक आपको यही वैल्यू देगा, एफ ई 410 ही आएगी क्वेश्चन में, एफ ई 440, एफ ई 490 ये कभी भी नहीं आएगी, इसलिए देखो यहाँ पर स्टार लगा रखा है, तो हम याद आपको ये वाली लाइन ही रखनी है सिर्फ, ये इसके अलावा कुछ भी याद मत रखना, उसमें भी आप ये और ये दो ही चीज़ याद रखो आप तो। ओके अब तो सिंपल हो गया, आपको क्वेश्चन में हमेशा आपको यही मिलेगा एफ ई 410, तो आप फटाफट क्या ले लोगे, अब देखो 410 यहाँ पर एफ वाई नहीं है, ये स्टील की बात चल रही है, तो स्टील में एफ यू है ये 410,
एफ ई हो गया, और एफ आई की वैल्यू कितनी हो गई 250। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखने की थी, जो आप ध्यान रख लेना, बाकी क्वेश्चन करेंगे तो और फटाफट क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। ठीक है, फाइनली अब ये देख लेते हैं थोड़ा सा कौन से एक्सेस क्या होती है, किधर क्या होती है। देख लो, जैसे देखो ये आई सेक्शन है, आई सेक्शन में ये तो आपको पता ही है, ये ऊपर का जो ये होता है ये, और ये इसको हम फ्लेंज बोलते हैं, और मिड का ये जो होता है इसको हम वेब बोलते हैं। ठीक है, जो एंगल सेक्शन होता है, एंगल सेक्शन में एक लेग हमारी शॉर्ट होती है, एक लेग हमारी लॉन्ग होती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये आई सेक्शन इस तरीके से जा रहा है, आई सेक्शन इस तरीके से जाएगा ये, तो यहाँ पर इसके जो ये वाली लाइन होगी अलोंग लेंथ, ये होते हैं लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस। ठीक है, और यहाँ पर भी इस तरीके से ये सेक्शन इधर जा रहा होगा इस तरीके से, तो सेक्शन के साथ साथ इधर जो लाइन जा रही है, ये यू नहीं, यू तो इस तरीके से जा रहा है थोड़ा, ये इस सेक्शन के साथ साथ जैसे यहाँ पर जा रहा है लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस में, ये यू लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस नहीं है, एक्स इस तरह लॉन्गिट्यूडिनल जा रहा है ना अलोंग द लेंथ, इसी तरह इस एल के भी अलोंग द लेंथ एक एक्सिस जा रही होगी, उसी को हम यहाँ पर एक्स एक्स बोल रखे हैं। ठीक है, ये वाई वाई एक्सिस है, ये जेड जेड एक्सिस है। अब देखो पहले तो आप ये करो, फिर मैं नीचे चले जाऊँगा तो फिर दिखेगा नहीं, फिर मैं जो आपकी कॉपी में देखना आप, पहले तो आप इस आई सेक्शन को बना लो, और इस आई सेक्शन में ये एक्स एक्स, जेड जेड और वाई वाई, ये तीनों लाइन बना लो। ठीक है, कॉपी में बना लो आपकी कॉपी में, फिर आप नीचे चले जाएंगे तो आपको दिखेगा नहीं। ठीक है, वीडियो पॉज करके बनाओ, और फिर आप इस एल सेक्शन में ये सारी वैल्यूज है इसको बनाओ, आप एल बनाओ, उसके बाद में ये जेड जेड बनाओ, एक्स यहाँ पर दिखा नहीं रखा इस तरीके से, एक्स यहाँ पर इस तरीके से होगा अलोंग द लेंथ। ओके, ये वाई वाई बनाओ, जेड जेड बना लिया, यू यू बनाओ और वी वी बना लो, दोनों चीज़ें बना लो, वीडियो पॉज करके और बना लो दोनों को। अब नीचे चलते हैं, देखो जो क्वेश्चन में एक्स एक्स दे रखा है ना, एक्स एक्स है वो क्या है, एक ये एक्सिस है ना अलोंग द मेंबर है। ठीक है, वाई वाई की अगर हम बात करें तो वाई वाई क्या है, उसका जो क्रॉस सेक्शन हम काटेंगे, जैसे देखो ये सेक्शन है इसका, ये यहाँ से जैसे इधर भी बढ़ रहा होगा ये, तो आपने क्या किया यहाँ से इसको कट कर दिया, जैसे मान लो कि आपने यहाँ से कट कर दिया इसको, तो यहाँ से कट करोगे तो यहाँ पर भी तो ऐसा ही सेक्शन दिखेगा इस तरीके का, तो इस तरीके का सेक्शन दिखेगा, तो यहाँ पर हमने जो लाइन खींची ये है वाई वाई एक्सिस, ऐसा ही इसमें भी है, आपने यहाँ से सेक्शन को कट कर दिया, सेक्शन कट कर दिया तो देखो ये चीज़ दिखेगी, अगर मान लो ये इस तरीके से एल बना हुआ रहता, आपने यहाँ से इसको कट कर देते यहाँ से आप इसको कट कर देते, तो यहाँ पर कट करते तो ऐसा ही तो पोर्शन दिखता, तो यहाँ ऐसा पोर्शन दिखता, तो यहाँ पर ये लाइन खींची हमने, ये क्या है वाई वाई एक्सिस है। अब जो मैं बोलूँ वो सुनते रहना, और आपका जो डायग्राम बनाया आपने आई सेक्शन और एल सेक्शन का वो आप देखते रहना। देखो यहाँ पर ये जो वाई वाई एक्सिस है ना, ये परपेंडिकुलर है फ्लेंज के, बिल्कुल फ्लेंज के परपेंडिकुलर है, इस तरीके से बना हुआ है ना, तो ये फ्लेंज ये हो गया, तो फ्लेंज के परपेंडिकुलर, बिल्कुल सही बात है। बी की बात करते हैं, बी मतलब एल के लिए बात, देखो अब एल के लिए परपेंडिकुलर द स्मॉलर लेग इन एंगल सेक्शन, जो इस तरीके से ये लॉन्ग लेग है, ये स्मॉल लेग है, और वाई एक्सिस इस तरीके से बनी हुई है, तो ये स्मॉलर लेग है ना, इसके परपेंडिकुलर है ना, बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर है, तो बिल्कुल सही बात है। जेड जेड की हम बात करते हैं, जेड जेड की बात करते हैं, जेड जेड एक्सिस पैरेलल टू द फ्लेंज, फ्लेंज के पैरेलल है क्या, देखो बिल्कुल पैरेलल है आई सेक्शन में, और बी मतलब एंगल सेक्शन में, देखो आप पैरेलल टू स्मॉलर लेग के पैरेलल है क्या एंगल सेक्शन में, देखो इस तरीके से ना जेड जेड एक्सिस, तो बिल्कुल है, और आई सेक्शन के अंदर इस तरीके से, तो इस फ्लेंज के पैरेलल है, बिल्कुल सही बात है। और यू यू और वी वी की अगर बात करें तो यू यू यहाँ पर मेजर प्रिंसिपल एक्सिस है, और वी वी माइनर प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पर कटा हुआ है, आप इसको बना लो, यहाँ पर लिख लो अलग से आप कॉपी में कि वी वी यहाँ पर क्या है माइनर प्रिंसिपल एक्सिस है, और यू यू क्या है मेजर प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये जो इंट्रोडक्शन पार्ट था, चैप्टर नंबर वन था, जनरल डिज़ाइन कंसिडरेशन, वो हमारा यहाँ पर फिनिश होता है। इस वीडियो को, इस चैप्टर नंबर वन के जो सारे वीडियोज़ हैं उसको एक बार वापस से देखो, जो रटने की चीज़ें उनको एक अलग से पेपर में लिखो, उनको रटो, क्योंकि रटने की चीज़ें वो तो आपको रटनी ही पड़ेगी, समझ के क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे, और जो समझने की चीज़ें कंसेप्ट रहता है वो आप समझ लो, और जो रटने की चीज़ें उनको रटो, बाकी हम जैसे जैसे आगे चलेंगे, सिंपल है स्टील, बहुत ही सिंपल है, बस आपको फॉर्मूले वगैरह याद करने पड़ेंगे, इनके अलावा स्टील में क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। ठीक है, तो आप इसकी वीडियोस वापस से देख लो, नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम हमारा जो सेकंड चैप्टर है वोल्टेज कनेक्शन, उससे हम आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।